कानून बनना चाहिए। उन मैं नहीं बात कर रहा हूं, उन बात कर रहे थे ऐसा। अगर आप सपने बड़े देखते हो तो अब तक जो भी 5 साल लगे, 5 साल इसमें है, वो हर एक व्यक्ति स्टार हो गया, डायमंड जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? टारगेट नहीं है, सपने बड़े बड़े हैं, सपने सोचते ही बड़ा लेकिन करते नहीं, करते नहीं। इसमें वही बोला उन्होंने, 1 करोड़ तनख्वाह के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उधर हाथ नहीं खड़ा करा। पूरा 1,000 लोग थे, उसमें से गिन के 20 लोग हाथ खड़ा करे थे, बाकी के कोई हाथ नहीं खड़ा करे। सभी का जवाब था हमें पैसों से ज्यादा जान प्यारी। कुछ लोग बोले थे वो शेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को 1 करोड़ मिल रहा था, खीसे में चाकू रखूंगा, कुछ भी रखूंगा, लेकिन मैं जाऊं, 1 करोड़ मिल रहा है, पूरे जीवन में मैं नहीं कमा सकता, 1 साल कमाया तो 12 करोड़ हो गए, इसके लिए मैं रिस्क लूंगा, तब मेरे को शेर नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, आरसन में भी जो करना है तो 50,000 के लिए आए हो तो आरसन छोड़ दो, महीने को 50,000 मिले तो बस, ये जिसके दिमाग में भी है वो आरसन छोड़ दो अभी, वो 50,000 कभी नहीं आएंगे, ऐसा बोले हैं उन्होंने। yes. ऐसा ही बोला है। yes. क्यों बोले तो जो व्यक्ति 50,000 के लिए इसमें आया है वो कमाता कितना है, वो बुढ़ापे तक बाहर के जो काम कर रहे हैं उसमें 20-30 हजार तक आएगा, वो 20-30 हजार कमाई तक आएगा, वो घर का काम कुछ तो दूसरा काम करेगा, उसका 20,000 बाहर का 10,000 ऐसा इंतजाम करके घर में पूरा मिला के 50,000-40,000 का इनकम करेगा, वो मरने तक उसका बच्चों का इनकम ये भी, तो आरसन क्यों करेगा वो? इसलिए 50,000 के लिए जो भी व्यक्ति आया है ये आरसन छोड़ दो, बोले बिंदास, उनकी जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, 50,000 1 लाख रुपए जो दिमाग में है वैसे लोग इसमें टिकते नहीं। कि जो जो व्यक्ति इस सिस्टम से बाहर हुआ है, जो जो व्यक्ति आरसन नहीं कर रहे, पहले लीडर थे नहीं कर रहे, उनको पूछो जाके, बोलो आप आरसन से कितना कमाना चाहते थे, उनका जवाब एक ही रहेगा, रॉयल्टी आए तो बस। जो भी व्यक्ति छोड़ा है, उन्होंने ऐसे खुले शब्दों में बोला है, जो भी व्यक्ति आरसन में कुछ दिन काम करके लीडर की तरह सब जगह आया, मीटिंग को आया, सब आया, लेकिन क्यों छोड़ा है उनको जाके पूछो, वो बोलेगा मेरे को महीने को 25 या 50 हजार आया तो बस, उसने उन छोड़ा है। उदाहरण तो उन्होंने क्या बताया, मैं हरदम बताता हूं, ये आप है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये उनका टारगेट है 50,000, तो इधर से कितना भी नजर घुमा ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा ही जाएगा, ये प्रॉब्लम क्या है, लोग नहीं सुन रहे, मीटिंग को आना जाना, ये होना वो होना है सब। तो अगर 50,000 की जगह आपके अगर 5 लाख का अगर रहेगा तो डायरेक्ट जा सकते हैं। इसलिए टारगेट बड़ा रखो, बड़ा रखे तो ही हम सफल हो सकते हैं। 50,000 1 लाख के लिए आरसन बना ही नहीं, जाना उधर से ही है, लेकिन सोच बड़ी रहनी चाहिए। उनका जो सोच है वो भी बताए थे उन्होंने।